नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारी वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक है तो कृपया लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेली जा रही है। इस टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट महामुकाबले के दूसरे दिन का रोमांचक दिन एक बार फिर से भारत और इंग्लैंड के बीच में आमने सामने दोनों टीमें मौजूद थी। इस दूसरे दिन भारतीय टीम ने 336 रन पर 5 विकेट के नुकसान से खेल को खेलना शुरू कर दिया, जहां रवि जडेजा अभी भी भारतीय टीम के लिए 110 रन की की पारी खेलकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं पर बतौर नाइट वॉचमैन रविंद्र जडेजा का साथ दे रहे कुलदीप यादव भी मैदान पर मौजूद थे। और फिर दूसरे दिन भारतीय टीम ने इसी स्कोर से आगे खेलना शुरू कर दिया, लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत इस दूसरे दिन बहुत ही ज्यादा खराब रही और गेंदबाजी के लिए आए जेम्स एंडरसन ने कुलदीप यादव को वैन फ्लोक्स के हाथों कैच आउट करा दिया। दोस्तों कुलदीप यादव 24 गेंदों में 4 रन बनाकर पवेलियन चले गए, तो कुलदीप यादव जल्दी आउट होने के बाद दूसरे दिन अब टेस्ट मुकाबले में डेब्यू कर रहे ध्रुव जुरेल को मैदान पर उतरने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने भेजा, लेकिन तभी उनके साथ ही खिलाड़ी और शतक लगाने वाले रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी के लिए आए रुजो रूट ने अपनी गेंद पर कैच आउट करा दिया, जहां पर रविंद्र जडेजा 225 गेंदों में 112 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। जहां पर रविंद्र जडेजा के बड़े विकेट लेने के बाद अब इस दूसरे दिन की शुरुआत में भारतीय टीम को 2 लगातार बड़े झटके लग चुके थे, लेकिन अब मैदान पर रविचरण अश्विन आ चुके थे। दोस्तों फिर रविचरण अश्विन ने ध्रुव जुरेल के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और शानदार गेंदबाजी डाल रही इंग्लैंड की टीम के आगे एक और मजबूत साझेदारी दूसरे दिन बनाने शुरू कर दी। इस महामुकाबले में डेब्यू कर रहे ध्रुव जुरेल सरफराज खान की तरह ही गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं पर रविचरण अश्विन भी अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए भारतीय टीम के लिए रन बरसा रहे थे। दोनों की यह साझेदारी अब भारतीय टीम के ऊपर दबाव कम कर रही थी। दोनों ने इस लाजवाब बल्लेबाजी के साथ ही इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स पर दबाव डाल दिया, तो वहीं इसी बीच ध्रुव जुरेल और रविचरण अश्विन के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। ध्रुव जुरेल और रविचरण अश्विन ने मिलकर भारतीय टीम के लिए 400 का आंकड़ा भी पार कराया, लेकिन फिर गेंदबाजी के लिए रेहान अहमद ने सेट हो चुके रविचरण अश्विन को जेम्स एंडरसन के हाथों कैच आउट करा दिया, जहां पर अश्विन ने 89 गेंदों में 37 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर अपना विकेट गवाया। रेहान अहमद के एक बार महत्वपूर्ण मौके पर भारतीय टीम को तगड़ा झटका देकर साझेदारी को तो तोड़ दिया गया था, जिस वजह से इंग्लैंड की टीम ने एक बार फिर इस महामुकाबले में वापसी कर ली थी। लेकिन फिर विकेट गिरने के बाद जसप्रीत बुमराह मैदान पर उतरे और दूसरी छोर पर अब ध्रुव जुरेल अर्धशतक के केवल 4 रन ही दूर थे। ध्रुव जुरेल ने अपने डेब्यू पर अर्धशतक बनाकर इतिहास रचने वाले थे, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी करने के लिए आए रेहान अहमद ने ध्रुव जुरेल को बेन फ्लोक्स के हाथों कैच आउट करा दिया और भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दे दिया। ध्रुव जुरेल ने 104 गेंदों में 46 रन की पारी खेली और वह आउट होकर पवेलियन चले गए और शतक से चूक गए, लेकिन 46 रनों की शानदार पारी के कारण भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अब भारतीय टीम की तरफ से आखिरी विकेट के लिए मोहम्मद सिराज मैदान पर उतरे थे और सभी को लगा कि भारतीय टीम 420 रन के भीतर ही सिमट जाएगी, लेकिन जसप्रीत बुमराह को यह मंजूर नहीं था और जसप्रीत बुमराह ने अंत में धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाया और आखिरी विकेट के लिए मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर 30 रनों की एक और महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। लेकिन फिर सेट हो चुके जसप्रीत बुमराह को अंत में मार्क वुड ने LBW आउट कर दिया और जसप्रीत बुमराह 28 गेंदों में 26 रन की एक और महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। इसी के साथ ही भारतीय टीम ने पहली पारी में 445 रन पर अपना खेल खत्म किया और ऑल आउट हो गई। उसके बाद भारतीय टीम से मिले एक पहली पारी में लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड के 2 धमाकेदार बल्लेबाज मैदान पर उतरे जैक क्रोली और बेन डकेट। इन दोनों को कंधों पर बड़ी लक्ष्य का पीछा करने की जिम्मेदारी थी और विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने के लिए बहुत बड़ा उन्होंने रोल अदा किया, जहां पर इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी ऐसा करके दिखाने में सफल भी हो पाई। आते ही भारतीय गेंदबाजों पर ऐसा पलटवार करके दिखाया जिसने कप्तान रोहित शर्मा के होश उड़ा दिए। जी हां दोस्तों, खासकर बेन डकेट ने इस महामुकाबले में भारतीय गेंदबाजों को बुरे सपने की तरह साबित होकर दिखाया। इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज बेन डकेट इस मुकाबले में भारतीय टीम के किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ रहे थे। एक के बाद एक चौके छक्के लगाकर वह बेन डकेट ने भारतीय टीम को पूरी पारी में बैकफुट पर धकेल दिया। इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी ने आसानी से 50 रनों का आंकड़ा खतरनाक भारतीय गेंदबाजी के सामने पार किया और कप्तान रोहित शर्मा बहुत ही ज्यादा जल्दी दबाव में दिखाई दिए। इसी बीच इस टेस्ट मुकाबले में बेन डकेट ने अपना इस महामुकाबले में 39 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम की पूरी गेंदबाजी अब दबाव में थी। दोनों मिलकर अपनी टीम को केवल 13वें ओवर में 89 रन तक पहुंचा चुके थे, लेकिन फिर रविचरण अश्विन गेंदबाजी के लिए आए और सेट हो चुके जैक क्रोली को रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेजा और 500वां अपना कैरियर का विकेट पूरा कर लिया। 28 गेंदों में 15 रन बनाकर जैक क्रोली पवेलियन वापस चले गए। अब इस इंग्लैंड की टीम को की तरफ से ओली पॉप मैदान पर उतरे और अभी भी बेन डकेट के रूप में भारतीय टीम के पास एक बड़ा खतरा मैदान पर मौजूद था और फिर ओली पॉप के साथ मिलकर बेन डकेट ने इंग्लैंड रन गति को रोकने नहीं दिया और धमाकेदार बल्लेबाजी जारी रखी। तो वहीं पर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए ओली पॉप ने भी उनका बखूबी साथ निभाया और फिर एक बार भारतीय टीम के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। एक छोर से बेन डकेट और दूसरे छोर से ओली पॉप दोनों मिलकर
भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के हर एक फैसले की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोनों ने मिलकर आसानी से एक बार फिर से 50 रनों की साझेदारी भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ बनाना शुरू कर दी और 26वें ओवर में एक शानदार चौका लगाते हुए बेन डकेट ने अपने तूफानी 100 रन पूरे कर लिए। बेन डकेट और ओलीपॉप की यह जोड़ी भारतीय गेंदबाजों को सेट होने पर कोई मौका नहीं दे रही थी। मैदान पर इंग्लैंड के यह दोनों बल्लेबाज चौके एवं छक्कों की बारिश कर रहे थे। डकेट और ओलीपॉप की यह साझेदारी शानदार को 133 रन पर पहुंचा चुकी थी। तो वहीं पर इंग्लैंड की टीम 182 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज ने सेट हो चुके ओलीपॉप को LBW आउट कर दिया। ओलीपॉप ने 55 गेंदों में 39 रन बनाकर अपना विकेट गंवाया। दूसरे दिन का खेल खत्म होते होते भारतीय टीम ओलीपॉप के एक बड़े विकेट तो हासिल कर चुकी थी। अब विकेट गिरने के बाद जो रूट मैदान पर उतरे, लेकिन विकेट गिरने का कोई भी असर बेन डकेट की बल्लेबाजी पर दिखाई नहीं दे रहा था। वह आसानी से भारतीय टीम के इस गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल पा रहे थे और फिर बेन डकेट ने जो रूट के साथ मिलकर दूसरे दिन तक अंत तक बल्लेबाजी करके दिखाई और दूसरे दिन के अंत में इंग्लैंड टीम ने 207 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर अपना स्कोर पहुंचा दिया था। लेकिन इंग्लैंड की टीम 238 रनों से भारतीय टीम से अभी भी पीछे है। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम पहली बल्लेबाजी करते हुए भले 445 का बड़ा स्कोर बनाने में इंग्लैंड के सामने सफल हो पाई थी, लेकिन इंग्लैंड की टीम इस टेस्ट महामुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए आसानी से 207 रन एक ही दिन में बना ले गई, जिसमें बेन डकेट का बड़ा योगदान रहा। बेन डकेट ने दूसरे दिन केवल 118 गेंदों में 133 रन ठोक दिए हैं, जिसमें उन्होंने 21 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए हैं। इसी बेन डकेट की पारी ने भारतीय गेंदबाजों को इस महामुकाबले में पीछे धकेल दिया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा और उनके गेंदबाज दूसरे टेस्ट महामुकाबले को तीसरे दिन वापसी करके जीत पाएंगे या फिर नहीं? अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।